सर आपको पता है 15 अगस्त से हालात ख़राब हो गई थी, जिसके बावजूद भी हमारे ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया गया हमने, क्योंकि उसके बाद भी हमें बैकलॉग रखे, क्योंकि हमें बोल रहे हैं क्यों क्लासेस स्टार्ट हो गई 15 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, जिसकी वजह से हमें जो पेंडेमिक आ गया कोविड, उसके बावजूद ये हमें बोल रहे ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे कैसे, जब आपको पता है कि 2G था, 2G को 64 KBPS, जिसके वजह से कोई एप्लीकेशन नहीं खुल रही थी। ये बोल रहे कि जूम में जूम एप्लीकेशन खोलेंगे, जूम एप्लीकेशन तो हमें जब खुल रही रही थी, टीचर यही बोल रही थी, हम तो सुनाई नहीं दे रही थी, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी हमें, खाली ऑनलाइन एग्ज़ाम, हम खाली ऑनलाइन एग्ज़ाम के हर को हर किसी कॉलेज का एक स्टूडेंट है, हर कोई स्टूडेंट है, इसलिए हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए या मास प्रमोशन, ये दो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं। यहाँ पे पहली बात तो हमारा 2G पे सब कुछ यहाँ पे डिपेंड था, हम सब कुछ 2G पे पढ़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन क्लास ठीक से नहीं हो रही थी। यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी, हमारी मांगे हमारी मांगे मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। हमारा मसला सबसे पहले यही कि जो हमारा स्टैटिक्स का पेपर था वो हमारे सिलेबस से बाहर था, तो जब हमें सब्जेक्ट दिए गए तो उस टाइम हमें दिया बताया गया कि आपका सब्जेक्ट जो है सोशल क्राइम है, तो लेकिन बदकिस्मत से ये कहना पड़ रहा है कि जब हमें परसों एग्जाम था तो जब हमने अपना एडमिट कार्ड निकाला तो उस पर हमें दिखाया गया कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रॉबर्टी है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यूनिवर्सिटी से कि हमारा पेपर ऐसा होगा, तो पेपर जो था वो मतलब हमारी सोच से बाहर था। जो हमारे प्रोफेसर साहबान थे, हम लोगों ने उनसे पेपर लिया उनके पास, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो पेपर हाई लेवल का है, तो हम यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से कि हमारा पेपर दोबारा हो जाए, क्योंकि ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। ब्लॉक से आए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आता है लानू ब्लॉक, और रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे DDC के, उस इलेक्शन में हमने अपने वोट कास्ट किए थे, तो वहाँ पे एक जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है 7 वोट के डिफरेंस से, और जो रनिंग रनर अप होता है वो 7 वोट से हार जाता है। फिर उनमें कुछ अपनी कोलाइड होती है, तो वो उसमें रीपोलिंग करवाते हैं उस इलेक्शन में, तो दोबारा रिकाउंटिंग में रिकाउंटिंग होती है। रिकाउंटिंग के दौरान ये होता है कि रिकाउंटिंग में वो हमारे 401 बूथ के जो वोट हैं 432 वोट्स जो हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं, वो इस बेस पर रिजेक्ट किए जाते हैं कि वो सील जो है वो गोल नहीं है। अब हमने वो सील घर में तो नहीं बनाई हुई है, वो सील आपके डिपार्टमेंट आपकी पोलिंग एजेंट्स आपके पोलिंग जो ऑफिसर हैं उन्होंने बनाई हुई है, आप उनसे पूछिए। वो सील के गोल और स्क्वायर होने में वो वोट्स 432 वोट्स जो हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं। हम गवर्नर साहब से इंसाफ चाहते हैं। जब 22 दिसंबर को ये ऐलान हुआ तो हमारे PADD के कैंडिडेट हैं जिसको हमने वोट कास्ट किया था, उसको उसने 7 वोटों से सर जीत हासिल की। उसके बाद हमारे जो अपोजिशन के लोग थे, अपोजिशन में तो होता रहता है सर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये प्रोटेस्ट उनका यही था कि वोटिंग के दौरान 1200 वोट कुछ गायब हुए हैं, उसका आपके पास भी रिलीज आया होगा, 2 बैलेट बॉक्स हमारे गायब किए गए हैं। हमने बोला ऐसा अगर होगा तो आप DG साहब की नोटिस में ला सकते हैं सर। उन्होंने जब 5 फरवरी को जब रिकाउंटिंग हुई सर, वो मुद्दा वहाँ पर नहीं था, उधर कुछ अलग ही मुद्दा था, प्रेस वालों को वहाँ जाने नहीं दिया गया, हमारे लोगों को भी वहाँ आने की इजाज़त, वो तो ठीक है, वहाँ डिप्लॉयमेंट ज़्यादा थी, अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट थी। डिप्लॉयमेंट के दौरान जब रिकाउंटिंग हुई तो वो मुद्दा बलाए ताक रखकर किसी एक पर्टिकुलर बूथ को बहाना बनाकर एक गोल सील का बहाना लेकर हमारे वोट हमारे कैंडिडेट को 661 वोटों से हराया गया।